हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश राव। आप देख रहे हैं नर्सेज ऑफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट साइकेट्रिक गोल्डन की पॉइंट, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे निमांस है, एम्स है, DSSB है, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ओपन इन अमेरिका, जो पहला मेंटल हॉस्पिटल है वो अमेरिका के अंदर ओपन हुआ था, और वहाँ भी विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। फर्स्ट साइकेट्रिक बुक है वो रिटर्न की गई थी अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका के अंदर बेंजामिन रूस है उसके द्वारा, तो इसीलिए बेंजामिन रूस है वो फादर ऑफ साइकेट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एट निमांस स्टार्टेड फर्स्ट ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग एट 1956। क्वेश्चन आ जाए कि निमांस ने एक साल का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स है वो कब स्टार्ट किया था, तो 1956 के अंदर, या फिर सबसे पहले 1956 के अंदर साइकेट्रिक कोर्स का जो सर्टिफिकेट कोर्स था वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो आ जाएगा निमांस ने। तो क्वेश्चन कैसे भी इसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट है, इसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज फॉर्म्ड एट निमांस बेंगलोर इन 1991। अब इसमें क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के दे सकते हैं, तो आप याद रखना इसमें ईयर है वो 1991 है, और फॉर्म किया गया था निमांस के द्वारा। नेक्स्ट आता है, इसमें फर्स्ट टाइम मेंटल इलनेस क्लासिफाइड बाई, जो सबसे पहले मेंटल इलनेस है उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया था इमाइल कैपलिन ने। नेक्स्ट आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो जाती है, या तो इल्यूजन हो या फिर हेलुसिनेशन हो। तो इल्यूजन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें अगर एग्जांपल की देखें तो रस्सी का सांप दिखाई देना, कोई भी पेशेंट है उसके सामने अगर रस्सी पड़ी होगी तो वो उसको सांप समझेगा, या फिर अपनी परछाई को भूत समझने लग जाए। तो ऐसे पेशेंटों के अंदर क्या दिखाई देता है, इल्यूजन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेलुसिनेशन, तो हेलुसिनेशन होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, तो उसके सामने कोई भी परसेप्शन स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको दिखाई दे रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे हेलुसिनेशन। ए फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इसको अपन बोलते हैं हेलुसिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स एग्जाम के अंदर, सीधा जैसे कि ये दे दिया और उसके बाद में उसकी जो मेन डेफिनेशन है किसकी है ये पूछ ले, या फिर ये दे दे परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई इज नोन एज हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन या फिर अननोभा वो, तो उसमें आप बिल्कुल सिंपल ये डेफिनेशन याद कर लो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रीफ, ग्रीफ द इमोशन डैट फॉलो द लॉस ऑफ ए लव्ड पर्सन और थिंग। ग्रीफ डाबड़ा, इसके अंदर एक स्टेज आती है डैनियल, एंगर, बार्गनिंग, डिप्रेशन और नेक्स्ट एक्सेप्टेंस। जब उसके सामने कोई भी अच्छी घटना है वो उसके सामने घट जाती है, मतलब अच्छी घटना अगर होते हुए और फिर वो बैड घटना के अंदर चली जाए तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो उसके सामने ये जो पांच स्टेज हैं ये उसके सामने से गुजरती हैं। तो इसमें ग्रिप की, जैसे कि क्वेश्चन में आ जाए ग्रिप की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, तो उसमें हो जाएगा डैनियल। बहुत बार जैसे ये क्वेश्चन है ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूपर, ए कंडीशन इन विच पेशेंट रिमेन्स इमोबाइल म्यूट एंड अनरेस्पॉन्सिव बट लुक फुली कॉन्शियस। पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होता है, अनरेस्पॉन्सिव होता है, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं देता, म्यूट बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसका कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं,
स्टोपर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एकथेसिया, पेशेंट अनेबल टू सिट और लाई क्वाइटली। इसमें पेशेंट है जैसे खड़ा है, तो खड़ा हुआ पेशेंट एकदम से बैठ नहीं पाएगा या फिर लेट नहीं पाएगा, उस पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है, एकथेसिया अपन उस कंडीशन को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इकोलेलिया। इकोलेलिया होता है इनवॉलेंट्री रिपीटेशन ऑफ स्पीच और अदर पर्सन। इकोलेलिया मतलब कि बार बार किसी वर्ड को बोलते रहेगा, वो रिपीट करता रहेगा, उसको अपन बोलते हैं इकोलेलिया। नेक्स्ट आता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया होता है मतलब कोई भी वर्ड बोलेगा उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो इकोप्रेक्सिया होता है मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट और एक्टिविटी ऑफ अदर पर्सन। तो मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ ही ना हो, रिपीटेशन रिपीट करता रहेगा किसी मूवमेंट को या फिर एक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है एमनेशिया। एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, इसके अंदर है ईसीटी। ईसीटी से क्वेश्चन जैसे कि बनते हैं वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ईसीटी है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था रोम के अंदर और ईयर थी 1938 के अंदर, 1938 के अंदर फर्स्ट टाइम पे रोम के अंदर यूज किया गया था, और किसके द्वारा यूज किया गया था, बिन्नी एंड सैरलेटी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों के द्वारा ईसीटी है जो फर्स्ट टाइम पे यूज किया गया था। वोल्ट इसमें यूज करते हैं, इसमें 70 to 150 वोल्ट है इसमें यूज करते हैं। टाइम है 0.1 to 0.5 सेकेंड के लिए इसको यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ करंट पास्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान जो उसके अंदर से करंट है वो पास किया जाता है 200 से 1600 मिली एम्पीयर। ईसीटी इंक्रीज ऑफ सम न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनको इंक्रीज करता है, और वो है इसमें सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। इनको ईसीटी है जैसे किसी पेशेंट को देंगे तो उनके अंदर ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये बढ़े हुए देखने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी के अंदर अपन पेशेंट को नहीं दे सकते। इसमें साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा इसमें टेम्पररी और रिवर्सिबल मेमोरी लॉस। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि साइड इफेक्ट क्या होता है ईसीटी का, तो इसमें आपका ऑप्शन में मिल जाएंगे मेमोरी लॉस, तो आपको मेमोरी लॉस पे ही करना है, कंफ्यूजन भी इससे हो सकता है, तो ये सबसे प्रायोरिटी देंगे अपन मेमोरी लॉस को। एक क्वेश्चन इसमें से ये बन जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होता है, तो ये आ जाएगा इसमें आईसीपी में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम। तो लिथियम की जो डोज होती है नॉर्मल, वो उससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि नॉर्मल इसकी डोज होती है 900 से 1200 मिलीग्राम, या फिर उसमें आ जाएगा कि सीरम ब्लड लिथियम लेवल कितना होता है। तो फर्स्ट टाइम यूज इन 1949 फॉर मैनिया, सबसे पहले जो लिथियम है उसको यूज किया गया था 1949 के अंदर मैनिया के पेशेंट के लिए। सीरम ब्लड लिथियम लेवल होता है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये होता है सीरम ब्लड लिथियम लेवल, और इसकी डोज होती है 900 से 1200 मिलीग्राम। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि ब्लड कलेक्शन है वो कौन से टाइम पे करना चाहिए। किसी पेशेंट का सीरम ब्लड लिथियम लेवल अपने को चेक करना है, तो उसका ब्लड है वो कौन से टाइम पे अपने को जो कलेक्ट करना चाहिए, तो कलेक्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो ब्लड है उसका कलेक्शन करना चाहिए, और उसमें भी 12 से 14 आवर ऑफ लास्ट डोज वाज
जो लास्ट डोज है वो 12 से 14 घंटे पहले उस पेशेंट ने ली हो चुकी हो। अगर मान लो किसी पेशेंट ने 1-2 घंटा हुआ है और उसने लिथियम की डोज ले रखी है, तो उस पेशेंट का अपन जो ब्लड सैंपल है वो नहीं लेंगे, तो उसकी जो पहले डोज को होल्ड करेंगे 12 से 14 घंटे, और उसके बाद में उस पेशेंट का सैंपल लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एवर्जन थेरेपी। इट इज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी वेयर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट इज यूज टू चेंज बिहेवियर। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट से उस पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाता है। एवर्जन थेरेपी, इसमें डेफिनेशन दे देंगे और आपको और भी थेरेपी का नाम दे देंगे, तो उसमें आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवर्जन थेरेपी को क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है डाइसल्फ़राम। डाइसल्फ़राम क्या है? एल्कोहल सैनिटाइजिंग ड्रग है और ये डिस्कवर्ड की गई थी 1930 के अंदर, और ये आगे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट के लिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लूलर्स 4A। तो ब्लूलर्स 4A है जो किसमें दिखाई देता है, कौन से पेशेंट के अंदर ये दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये दिखाई देता है सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लूलर्स 4A दिखाई देते हैं। तो अब अपन इनकी बात करें तो ये 4A होता क्या है, तो 4A है, ए फॉर ऑटिज्म, ए फॉर एफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी, ए फॉर एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस और ए फॉर एम्बिवलेंस। ये चार इसमें A4 होते हैं। ऑटिज्म होता है पर्सन्स थॉट्स अनअफेक्टेड बाई वाट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड विड्रोवल फ्रॉम कम्युनिकेशन विद अदर। अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुएंटी होती है, मूड ऑफ पेशेंट इज इनअप्रोप्रिएट। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस होता है थॉट डिसऑर्डर इन विच पर्सन अनेबल थिंक लॉजिकली एंड आइडिया शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट कनेक्शन। और एम्बिवलेंस होता है अपोजिट फीलिंग एटीट्यूड और विशेष टुवार्ड द सेम पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंट होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन एग्जाम के अंदर कई एग्जाम में दे देते हैं कि BMI इज, तो उसमें वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर है, ये तो होगा राइट आंसर। या फिर उसके अंदर कैटेगरी है वो चूज करवा लेते हैं कि पेशेंट की जो BMI है वो बिलो 20 है, तो वो पेशेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, तो अपन इसको देख लेते हैं। पेशेंट की बिलो 20 है तो अंडर वेट के अंदर, BMI है वो 20 to 24.9 है वो होता है नॉर्मल वेट, 25 to 29.9 होता है वो होता है आवर वेट, BMI 30 और मोर उसको बोलते हैं ओबेसिटी, और मॉर्बिड ओबेसिटी होती है BMI greater than 40। इम्पोर्टेंट है ये, BMI greater than 40 इज नोन एज मॉर्बिड ओबेसिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो वो अपन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है डोपामाइन। जो डोपामाइन है वो इंक्रीज होता है सिजोफ्रेनिया के अंदर और डिक्रीज होता है वो पार्किंसोनिज्म के अंदर। डोपामाइन है इंक्रीज किस में हो गया? सिजोफ्रेनिया के अंदर, डिक्रीज हो गया उसमें पार्किंसोनिज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को अपन बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सी टेट्रामाइन, ये इंक्रीज होता है किसके अंदर? मैनिया के अंदर। नेक्स्ट आता है नोर एड्रिनलिन, नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको। नोर एड्रिनलिन है वो डिक्रीज होता है डिप्रेशन के अंदर, OCD के अंदर, स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है एसिटाइल कोलिन, ये इंक्रीज होता है पार्किंसन डिजीज के अंदर।
नेक्स्ट है इसके अंदर एसिटाइल कोलिन डिक्रीज इन डिमेंशिया, तो एसिटाइल कोलिन है वो डिमेंशिया के अंदर भी कम होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गाबा, गाबा है वो कम होता है किसके अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर से लिया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो यूट्यूब पे जाके नर्सेज अब सर्च कर लेना, या फिर आपके नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाल बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट वैकेंसी होती है, न्यूज़, प्रीवियस ईयर पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के जो वीडियो हैं वो हम नर्सेज अब यूट्यूब चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को अपकमिंग एग्जाम के लिए।